नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और आज बात सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले की। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में कोटा लागू करने को अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 5 जजों के आदेश को पलटते हुए यह फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक राज्य सरकारें अब एससी एसटी आरक्षण में अलग से कोटा तय कर सकती हैं। एससी एसटी की कुल जातियों में मौजूद वो जातियां जो अब भी ज्यादा पिछड़ी हैं या जिनको आरक्षण का ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया है, राज्य सरकारें अब ऐसी जातियों को एससी आरक्षण में ही अलग से कोटा दे सकती हैं, ताकि वो जातियां भी आगे बढ़ सकें। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह फैसला 6-1 के बहुमत से सुनाया, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। सीजेआई के साथ ही जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस फैसले पर सहमति जाहिर की, जबकि बेंच में मौजूद एकमात्र जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने फैसले पर असहमति जताई। कोटे में कोटा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कोटे में कोटा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता और पैमानों से पता चलता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शर्तें भी रखी, जिसके मुताबिक राज्य किसी भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में 100% कोटा नहीं दे सकता। साथ ही किस जाति को कितना कोटा मिलेगा यह तय करने से पहले राज्य को उस जाति के बारे में पुख्ता आंकड़े और अध्ययन करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोटे में कोटा लागू करने की जरूरत है क्या? तो इसको समझने के लिए आपको एक आंकड़ा देखना चाहिए जो एक सरकारी पैनल ने जारी किया है, जिसके मुताबिक ओबीसी में शामिल कुल जातियों की संख्या करीब 5 से 6 हजार के बीच है, लेकिन इनमें से सिर्फ 40 जातियां जो प्रतिशत के हिसाब से कुल जातियों का सिर्फ 1% है, उन्होंने केंद्र के शिक्षा संस्थानों में एडमिशन में और केंद्रीय सेवाओं की नौकरियों में 50% लाभ प्राप्त किया। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से वो अनुसूचित जाति का वो वर्ग जो धनाढ्य हो गया है, जिसके कई पीढ़ियों से लगातार अधिकारी हो रहे हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्या तर्क है, क्या आधार है, ये सारी बातें जब तक मैं समझ नहीं लूँ तो कुछ नहीं कह सकता। इस पर पूर्ण प्रतिक्रिया हम समाजवादी लोग लगातार इस बात को उठा रहे थे कि जाति जनगणना भी हो, लोग आरक्षण भी सुरक्षित रहे, उन तमाम चीज़ों पर आज माननीय न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है। और बड़ी बेंच है, माननीय 7 जजों की बेंच ने मोहर लगाई। निश्चित तौर पर आज ये साबित हो गया कि हम समाजवादी लोग जिन बातों को लेकर सवाल उठाते रहे वो बातें हमारी न्याय संगत बातें थी और आज हम लोगों की बातों पर माननीय न्यायालय की मोहर लगी। एससी एसटी आरक्षण में कोटे का फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कुछ ऐसा कमेंट भी कर दिया जिससे सियासी बहस भी शुरू हो गई। कोर्ट ने एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर को लेकर काम करने की बात कही। इसके बाद यही क्रीमी लेयर की व्यवस्था एससी एसटी में भी लागू करने की बात पर बहस शुरू हो गई। और तमाम तरह से जो है 7,000, 9,000, 10,000, 11,000 पे काम करना पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, ये अंदर कमरे के बैठ के फैसला नहीं होता। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उसमें कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमद् भागवत गीता का उदाहरण देते हुए कहा कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। समाज में लोगों को कर्म के हिसाब से बांटा गया था और वर्ण जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर तय होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान को अपनाने के साथ ही हमने फिर से जाति विहीन समाज की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक कल्याण के नाम पर हम फिर से जाति व्यवस्था के जाल में फंस गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और जन्माष्टमी से पहले हिंदू पक्ष को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जियों को सुनवाई योग्य भी मान लिया है। यानी मथुरा केस में अब अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहले ज्ञानवापी तो अब मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है
हिंदू पक्ष के दावे सुनवाई योग्य है और इसी के साथ हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया। देखिए काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। चार साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके चार महीने की काफी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट है होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल है और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7-11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा, हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। कोर्ट ने अर्जियों को सुनवाई योग्य माना है। जन्मभूमि विवाद में कोर्ट से केस चलेगा, हाई कोर्ट से अब ट्रायल शुरू होगा, अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी, अब 12 अगस्त से सुनवाई होगी। यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष के लिए कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है। जगह है ना भगवान आइडल, देवता है वो और भगवान श्री कृष्ण विराजमान वहाँ पे, आप कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करके या किसी जो कि ऑथोराइज है नहीं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो थी वो तो थी नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट के जगह पे कोई और जाके समझौता 12/10/1968 को कर ले और आप कहें कि हाँ हाँ हमारा हो गया और भगवान वहाँ नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता। वंस ए डायटी ऑलवेज ए डायटी। कि माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष से जो 7-11 की प्रार्थना पत्र के मुकदमा नहीं चलना चाहिए, उनके साथ उनसे साक्ष्य मांगे गए, इस संपत्ति का एक भी कागज सिंगल नहीं दे पाए। हिंदू पक्ष ने, मंदिर पक्ष की ओर से हम लोगों ने बिजली का बिल, टंकी का बिल, वहाँ फर्जी इनका रजिस्ट्रेशन साबित किया, इनके खिलाफ बिजली का कनेक्शन कटवाने का मुकदमा दर्ज कराया, टंकी का कटवाया और तमाम चीज़ें वहाँ पूजा हमने करके साबित कर दिया, यह संपत्ति हिंदुओं की है। अब वक्त आ गया है कि जल्द ही सुनवाई होगी, तनकी बनेगी और केस के बाद यह ढांचा हटेगा, यह मंदिर हमारा है, यह मेरे कान्हा का है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। दरअसल हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थीं, उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। अगर बात दावों की करें तो हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित जगह पर श्री कृष्ण जन्म स्थान है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य ही नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का दावा है हिंदू पक्ष से 1968 में ही समझौता हुआ। हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर का वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं, तो मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि याचिकाएं वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ। यानी इन्हीं दावों के साथ हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए और इन्हें खारिज किए जाने की अपील की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और एक बार फिर हिंदू पक्ष की जीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आज यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने चार ठगों की कहानी सुनाई और राहुल गांधी के खटाखट वाले चुनावी वादे पर प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह जनता से खटाखट के नाम पर इंडी गठबंधन ने धोखा किया, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का सफा चट होना तय है। सीएम योगी की ये 2 मिनट की कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। चार ठग थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो। तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। ले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये तो कुत्ते का बच्चा आप कहाँ लेके जा रहे हैं। वो बोलता है, उसको भी डांटता, कहा अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। पड़ता है फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वहां भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया,
उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया, कहां गया 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी, 27 में सपा चट, 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब। और लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पानी में हुड़दंग के दौरान लड़की से छेड़छाड़ की एक तस्वीर कल से खूब वायरल की जा रही है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद सीएम योगी एक्शन में आ गए, फौरन 4 आरोपियों को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। जबकि गोमती नगर इलाके के DCP से लेकर वहां की चौकी के सिपाही तक सब पर कार्रवाई की गाजगिरी है। सलाखों के पीछे बैठे यही चेहरे पानी में ऐसे बेहयाई कर रहे थे जैसे इनकी आंखों का पानी मर गया है। पानी में खेल के नाम पर शोहदाई वाला खेल खेल गए ये असामाजिक तत्व। मानसून की मस्ती में मदांध हुए कुछ हुड़दंगियों ने तहजीब के शहर लखनऊ की तहजीब भी मानसून की बारिश में धो दी। इसे लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वीडियो का संज्ञान लिया, घटना को देश दुनिया को दिखाया तो गंभीर धाराएं इस मुकदमे में बढ़ाई गई, छेड़छाड़ और अन्य धारा भी इसमें जोड़ दी गई, 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। सलाखों के पीछे लखनऊ के मन चले, पुलिस एक्शन में आई तो हुड़दंगियों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हुई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद आरोपियों को लाठीचार्ज के जरिए खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक पुलिस का ये एक्शन होता तब तक सरेआम मर्यादाएं तार तार हो चुकी थी और अब प्रशासन ने पवन यादव और सुनील कुमार के नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ के प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि लखनऊ पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया है। अराजक तत्वों की पहचान करने के लिए उपलब्ध समस्त वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और इस कार्य के लिए 3 टीमों का गठन भी किया गया है। समस्त दोषियों के खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के निर्देश पर उस इलाके के सभी पुलिस कर्मियों पर भी काज गिरी जो इस घटना के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिम्मेदार बताए गए। सीएम के आदेश पर DCP प्रबल प्रताप सिंह, ADCP अमित कुमावत, ACP अंशु जैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही गोमती नगर थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज समेत चौकी पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल लखनऊ की ये चौंकाने वाली कहानी उस वक्त की है जब मूसलाधार बारिश से राजधानी की सड़कें लबालब थी। इसी दौरान कुछ हुड़दंगियों ने होटल ताज और विधानसभा के पास के इलाकों में सड़कों पर कब्जा कर लिया और सड़क से गुजरने वालों को घेर कर परेशान करने लगे। इसी दौरान बाइक पर सवार युवक और युवती को भी पानी में गिरा दिया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से छेड़छाड़ का भी दावा किया गया, लेकिन पहले सिर्फ संक्रमण का पानी उछालने के आरोप के साथ रिपोर्ट दर्ज की गई। हालांकि जब सीएम योगी के तेवर सख्त हुए तो फौरन छेड़छाड़ की धाराएं भी जोड़ दी गई। उन्हीं लड़कों की दूसरी करतूत देखिए, कार वालों को किस तरह से परेशान कर लखनवी तहजीब से इन लड़कों ने परिचित कराया, खुद देख लीजिए। ये घटना सिर्फ सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा ही नहीं, ये सिर्फ एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला नहीं बल्कि ये पूरी लखनवी तहजीब से छेड़छाड़ है।
क्योंकि लखनवी तहजीब में इस तरह की हुड़दंग की जगह कतई नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। गोमती नगर में छेड़छाड़ की घटना को लेकर सीएम योगी विधानसभा में भी गुस्से में दिखाई दिए। सीएम योगी ने कहा, हमने जवाबदेही तय की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहला आरोपी पवन यादव है, दूसरा अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, चिंता मत करो, इनके लिए भी बुलेट ट्रेन चलेगी। तो वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गोमती नगर की घटना, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, पहले सद्भावना और इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, और इस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। मैं समझती हूँ कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो है, विजुअल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, तो सरकार बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन बच्चे थे जो कर रहे थे, या कौन लोग थे जो ऐसा काम कर रहे थे, और उस पर एक्शन और कार्रवाई करें। क्योंकि मैं समझती हूँ इन्होंने शुरू में स्क्वाड बनाए थे, रोमियो स्क्वाड, जूलियट स्क्वाड, पता नहीं क्या क्या बनाया था, लेकिन सब आज ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। और एमपी के चर्चित आईएएस अधिकारी नियाज खान का उपन्यास फिर सुर्खियों में। नियाज खान का उपन्यास वॉर अगेंस्ट कलयुग में सनातन राष्ट्र को लेकर समर्थन किया है। उपन्यास में नियाज खान ने कई विवादित मुद्दे उठाए। नियाज खान ने इस उपन्यास में लिखा है कि सनातन राष्ट्र में ब्राह्मण शिक्षा और पूजा पाठ का काम करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब नियाज खान विवादों में हो, इससे पहले भी अपने बयानों और उपन्यासों को लेकर विवाद में रह चुके हैं। फिर विवादों में नियाज खान, वॉर अगेंस्ट कलयुग पर विवाद, सनातन राष्ट्र का किया समर्थन। एमपी के बहुचर्चित आईएएस अधिकारी नियाज खान एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार नियाज खान के उपन्यास वॉर अगेंस्ट कलयुग को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें नियाज खान ने सनातन राष्ट्र का समर्थन किया है। उपन्यास में नियाज खान ने कई विवादित मुद्दे उठाए हैं। नियाज खान ने इस उपन्यास में लिखा है कि सनातन राष्ट्र में ब्राह्मण शिक्षा और पूजा पाठ का काम करेंगे, ब्राह्मण राष्ट्र के मार्गदर्शक होंगे, इन्हें सनातन पति नाम दिया है। सनातन पति यानी धर्म का केंद्र बिंदु, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार होगा। उन्होंने अपनी किताब में बॉलीवुड को सनातन की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया है। ऐसा नहीं है कि आईएएस नियाज खान पहली बार विवादों में रहे हैं। नियाज खान का विवादों से पुराना रिश्ता है। इससे पहले नियाज खान ने मुसलमानों को कई धर्मांतरण और गौ रक्षा को लेकर सलाह दी थी, साथ ही कश्मीर फाइल्स फिल्म का समर्थन भी किया था। नियाज खान ने अपने उपन्यास को देश को जोड़ने वाला बताया। नियाज खान ने कहा कि उनका नॉवेल वॉर अगेंस्ट कलयुग देश को जोड़ने वाला है, इसमें विवाद जैसा कुछ नहीं है। देखिए, विवाद कदापि नहीं कहेंगे। एक्चुअली जो लोग भूल चुके हैं सनातन धर्म को, या समय के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति में हम अपने धर्म को भूल गए हैं, हमारा क्या धर्म था, हमारा धार्मिक स्थल किस प्रकार से, क्या हमारा आचार विचार था, कैसे संयुक्त फैमिली थी, किस प्रकार से धार्मिक संस्थाएं थी, किस प्रकार पूजा पद्धति थी। तो कहीं ना कहीं विवाद के बजाय मैं लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने इतिहास को जानो। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म को पालन करता है, ये वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म है, और जो सौहार्द पे, भाईचारे पे, सह अस्तित्व की बात करता है, भाईचारे प्रेम की बात करता है। तो इसलिए विवाद शब्द कहना उचित नहीं है, बल्कि देश जो हम भटक गए हैं, गुमराह हो चुका है, सबको वापस लाकर सनातन पर केंद्रित करना चाह रहा, ताकि विश्व में एक शक्तिशाली सनातन राष्ट्र स्थापित किया जा सके। वहीं नियाज खान के उपन्यास वॉर अगेंस्ट कलयुग सनातन राष्ट्र को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। मेरा इस मामले में कहना है कि जो नियाज खान जी ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म
का व्याख्यान करा है। मैं समझता हूँ कि इतने अति बुद्धिमान तो गैर भारतीय जनता पार्टी में ही हैं कि शंकराचार्यों से ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, शंकराचार्यों से ऊपर हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी है। मैं समझता हूँ कि इस पर जो जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, तमाम संत हैं, वो खासकर ज़्यादा होंगे। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये उनका स्वयं का विवेक है और उस विवेक के अनुसार उन्होंने उपन्यास लिखा है, लोग पढ़ के अपनी सलाह दे सकते हैं, बाकी निर्णय उनका न्यास खान जी का स्वयं। एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी न्यास खान का विवादों से चोली दामन का रिश्ता रहा है। एक बार फिर न्यास खान विवादों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा में आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को गुस्सा आ गया। लोकसभा में चर्चा के दौरान रेल मंत्री रेलवे को लेकर अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान विपक्ष रेल हादसों को लेकर हंगामा करने लगा, जिस पर रेल मंत्री को गुस्सा आ गया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, रेल बनाने वाले नहीं हैं। लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल व्हील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह व्हील बनाकर दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। और डायबिटीज ब्लड प्रेशर आजकल एक आम बीमारी बन गई है, मेडिकल साइंस में इलाज को आसान करने के लिए लगातार शोध चलते हैं। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से एक अच्छी खबर सामने आई है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए कारगर साबित हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। भागदौड़ भरी जिंदगी में बीमारियों से दूर रहना ही इंसान के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल के चलते लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में देश के सबसे बड़े अस्पताल से डायबिटीज के बीमारी के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। एम्स ने डायबिटीज के इलाज के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसकी मदद से इस बीमारी का इलाज और भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। दावा है कि CDSS ऐप से गंभीर बीमारियों को 30% तक कम किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण हमने दिखाया है कि ना केवल वो कम हो गई वैल्यूज, बट उनके कारण जो शारीरिक जटिलताएं होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज के मरीजों में, उसकी संभावना में 30% घटौती हुई है। तो अगर इसका तो मतलब बहुत मेजर हेल्थ सिस्टम इंपैक्ट है कि आप सोचिए, अगर 30% कम लोगों को किडनी की या आई की या नर्व की प्रॉब्लम होगी तो आपका जो हेल्थ सिस्टम पे जोर है, बर्डन है, वो कम हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से दूर दराज के इलाकों और छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे आंख किडनी की बीमारियों पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर चलाने वाला कोई भी शख्स ऑपरेट कर सकता है। कि हम किस प्रकार की स्ट्रेटजी से डायबिटीज के मरीजों को जो उनको केयर मिलती है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, और उसके दो मोटे हिस्से थे। एक ह्यूमन कंपोनेंट था कि हमने एक जिसे कहते हैं डेजिग्नेटेड रोल प्ले किया था, उसमें था केयर कोऑर्डिनेटर नामक इंसान का, जो रोल एक कोई भी ग्रेजुएट इंसान प्ले कर सकता है। आवश्यक नहीं कि उसको डॉक्टर या उसको नर्स या डायटिशियन होने की आवश्यकता है, उसको एक ग्रेजुएट इंसान जो कंप्यूटर चला सकता है वो उस रोल को प्ले कर सकता है। दावा है कि सॉफ्टवेयर ये भी बताता है कि मरीज को कितनी मात्रा में कौन सी दवा दी जानी चाहिए। डॉक्टर को मरीज की बीमारी की हिस्ट्री जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं डायबिटीज का मरीज हूँ तो मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है एज अ पेशेंट, मेरे आजकल क्या दवाइयां चल रही हैं और उन दवाइयों को खाते खाते मेरी कैसी रिपोर्ट आ रही है, उस इंफॉर्मेशन का वो CDSS विश्लेषण करके एक सुझाव पेश करता है डॉक्टर को कि इस परिस्थिति में हमें लगता है इसका ये बदलाव लाना चाहिए, ट्रीटमेंट ये दवाई बढ़ानी चाहिए, ये घटानी चाहिए, ये ऐसी की ऐसी रखनी चाहिए, और उसके बेसिस पे डॉक्टर अपना निर्णय ले सकता है।
ये रिसर्च साल 2011 के जनवरी में शुरू होकर सितंबर 2019 में पूरी हुई। इसमें 10 शहरों के मरीज शामिल किए गए थे, जिसके नतीजे काफी सकारात्मक आए थे। ये हमने ना केवल शुगर के लिए किया, जो हमने ब्लड प्रेशर के लिए भी किया और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी किया, जो तीन सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जिसमें शुगर के मरीज को हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और ये हमने दिखाया, ये स्टडी जो करी थी वो देश के करीब 10 अस्पतालों में करी, प्राइवेट पब्लिक नॉर्थ साउथ वेस्ट सब मिला के 1100 करीब मरीज थे। आधों के साथ वही व्यवहार किया जो रूटीन में उन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में होता है, और आधों के साथ हमारा सिस्टम अपनाया गया। और ये हमने मतलब शुरुआत में पहले 2.5 साल के बाद इस स्टडी की एनालिसिस करी थी, और बड़े स्पष्ट रूप से दिखाया था कि जो हमारे वाली प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उनमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर कंट्रोल की संभावना मतलब दुगनी हो जाती है। देश में डायबिटीज की चपेट में आए 50% लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं होता है। कई लोग इलाज नहीं करवाते हैं, और जो लोग करवाते भी हैं तो वो कई बीच में दवा खाना छोड़ देते हैं। ऐसे में ये सॉफ्टवेयर बेहद ही कारगर साबित हो सकता है। शुगर के बाद जैसे अन्य बीमारी होती है वो 32% तक कम हुई थी, और बीपी और हार्ट डिजीजेस का जो रिस्क है वो 28% तक कम हुआ था। और इससे ये भी बताया जा रहा है कि इसी तरीके से अगर इलाज होगा तो डायबिटीज़ में भी कमी आ सकती है, और अन्य बीमारियां जो हैं वो लोगों को परेशान नहीं करेंगी। कैमरामैन रमेश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।